नमस्कार, चंदा सिन्हा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा का करी। 6 अंडा, 3 आलू, नमक, सरसों का तेल, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक है, लहसुन है, कटा हुआ टमाटर है, मिर्च पाउडर, मगज, पोस्ता, जीरा, मिर्च है, तेज पत्ता है, गरम मसाला और सब्जी पाउडर। ये मगज जो है पहले से पीस लिए हैं, और पोस्ता वो भी पीस लिए हैं, हल्दी पाउडर और दही। देखिए आप, हम कढ़ाई किस तरह जैसे गर्म होने के लिए, जब गर्म हो जाएगा तब तेल देंगे। उसके पहले हम आधा अदरक जो है इसको इस तरह कूट लेते हैं। देखिए अदरक को कूट के तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम सरसों का तेल दे रहे हैं। ज्यादा नहीं देंगे, बस इसी तरह इसको इसी तरह थोड़ा सा कढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि अंडा जो है अगर गर्म नहीं होगा तो सड़ भी सकता है, इसलिए आप इसको दे रहे हैं। इसको इसी तरह जब तक ग्रे कलर ना आ जाए, देखो इस तरह अन्य में थोड़ा सा नमक दे दीजिए। नमक देने के बाद इसके बाद हट जाएगा, बस इसी तरह भूनते रहिए। हट जाइए, ज्यादा नहीं भूनना है, बस हो गया है। तो हम बढ़िया से उठा लेते हैं, सावधानी से उठाइएगा क्योंकि तेल भी छिट सकता है। देखिए हो गया है तैयार। उसके बाद आलू भी भून लीजिए। ज्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा, इसमें भी थोड़ा नमक दे दीजिए। ज्यादा नहीं दीजिएगा, बस आप 2 से 3 मिनट तक पकाते रहिए। देखिए अब कलर जो है ये कलर हो गया है, अब भून के तैयार हो गया है। आप इसको उठा लीजिए। गरम कीजिए हल्का सा और तेल दे दीजिए।
ये तेज पत्ता जो है दे रहे हैं, सूखा हुआ मिर्च, थोड़ा सा ये जीरा, ज्यादा नहीं। उसके बाद इस तरह उसके बाद अदरक जो है अदरक लीजिए, ज्यादा बीच में नहीं लीजिएगा। उसके बाद इसे प्याज है कटा हुआ ये दे रहे हैं, और लहसुन जो है ज्यादा नहीं है बस दे रहे हैं। काला हो जाएगा आलू जो है, ये दीजिए हो गया है। हल्दी पाउडर है जो ज्यादा नहीं दीजिएगा, हल्का सा बस। जो गरम मसाला है थोड़ा दांत में ले लीजिए। ये जो इलाज है गोटा ये गोट दे दिए इसमें। हल्का सा पानी दे दीजिए, ज्यादा देना नहीं है जिससे बस कुछ इस तरह। जो सब्जी मसाला हम बोले थे एक चम्मच, दो, तीन चम्मच ले लिए। हल्का सा इसको भून के लीजिएगा, ज्यादा भी नहीं लीजिए। मिर्च पाउडर दो चम्मच, अब कम भी दे सकते हैं। टमाटर जो कटा हुआ है पहले से देखिए लग दे रहे हैं। बस हो गया है, इसके बाद जो मोमोज है पिसा हुआ दे दीजिए।
थोड़ा सा फिर इसको भून दे रहिएगा। तो पोस्ता जो है इधर पोस्ता भी दे दीजिए। इसका कलर दही जो है ज्यादा नहीं दीजिएगा, 2 चम्मच। इस बार अंडा जो है अंडा दे दीजिए। इसी तरह और हल्का सा पानी देके इसमें छोड़ दीजिए 5 मिनट तक, पकाते रहिए। इसी तरह 5 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। इसको इस तरह से ज्यादा हीट नहीं दीजिएगा और ज्यादा कम भी नहीं दीजिएगा, बस देख लीजिए बढ़िया से। देखिए मेरा 5 मिनट के बाद ही अंडा का करी तैयार है। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि आपको आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। अगर आप लोग का ये अंडा का करी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। इन छोला सीना।